हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BS CAD CAM के अंदर। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम ऑटो कैड के अंदर आर्क कमांड को सीखेंगे। ठीक है, आर्क का शॉर्टकट मेरा यहाँ है, आप यहाँ से क्लिक करके भी आर्क कमांड ऑन कर सकते हो, या मेरे पास शॉर्टकट होता है ARC। ठीक है, जब भी ARC करके मैं इंटर करूँगा तो मेरी आर्क कमांड ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, जब भी मैं आर्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास थ्री पॉइंट आर्क आता है। थ्री पॉइंट के अंदर क्या करना है, आपने कोई भी तीन पॉइंट सिलेक्ट करो। ठीक है, उन तीन पॉइंटों को फॉलो करते हुए आपकी आर्क क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसे रिपीट एंड दिस। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आते हैं कुछ आर्क के नीचे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास स्टार सेंटर और एंड। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपकी आर्क बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, मेरे पास स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट सेंटर पॉइंट मेरा ये है और एंड पॉइंट मेरा ये है। आप यहाँ भी ले सकते हो या जहाँ भी पर्टिकुलरली पॉइंट है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, बट इस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। सपोज करो स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, सेंटर पॉइंट मेरा ये है एंड आर्क का एंड एंड पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, रिपीट करते हैं दोबारा। ठीक है, एंड स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, ये हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लेता हूँ, स्टार्ट पॉइंट मेरा ये होगा, सेंटर पॉइंट मेरा ये होगा। अगर जो मैं एंड पॉइंट ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी एंटी क्लॉकवाइज को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे पहुँचेगी, ना कि क्लॉकवाइज को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टार्ट सेंटर एंड एंकल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे देन स्टार्ट सेंटर एंड एंकल। ये क्या चीज़ है, इसको कर रहे हैं, इस पर एक्सरसाइज करते हैं, इसको मूव कराते हैं थोड़ा सा ऊपर, एम इंटर। ओके, एंड दिस एम इंटर, इसको हम थोड़ा सा ऊपर का। ओके, अब यहाँ पे मेरे को आर्क लगानी है, सेकंड ऑप्शन वाली। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, सेंटर पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, अब मेरे को क्या देना है, एंगल देना है। रेफरेंस के लिए मैंने लाइन और एंगल दे रखा है, मैं यहाँ से एंगल देता हूँ 120। ठीक है, 120 के डिग्री के एंगल तक ये मेरी आर्क लग गई है। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं दोबारा, फिर इसको रिपीट करते हैं। देन स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंगल मेरा 100 है, देन मैं यहाँ भी 100 इंटर कर। ठीक है, यहाँ आपका जब एंगल इंटर करोगे तो उस एंगल तक आपकी आर्क क्रिएट हो जाएगी, बट जो आपका पाथ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और लेंथ। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और लेंथ क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सपोज करो कि ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, उसके बाद मेरा ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट। आप यहाँ से पर्टिकुलरली इंटर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ कि मेरा सेंटर पॉइंट की लेंथ है वो 10 है। ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया, सेंटर पॉइंट को फॉलो करते हुए आर्क को क्रिएट करेगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अब ये लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेंथ इंटर करूँगा, अगर जो मैं 20 पे जाता हूँ, 20 के ऊपर मेरा हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो आर्क मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं जो लूँगा वैल्यू वो 20 से कम होनी चाहिए। ठीक है, मैं सपोज करो कि 18 ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसको मेज़र कैसे करोगे, 18 है ये, तो मैं यहाँ एनोटेशन में जाता हूँ एंड मैं यहाँ से इसकी लेंथ को मेज़र करता हूँ, तो ये मेरे पास 18 आ। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, अब की बार हम रेडियस को चेंज करेंगे। ठीक है, देन होम के जाके आर्क, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट आप यहाँ से मैन्युअली भी पुट कर सकते हो, या वैल्यू देना चाहो तो वैल्यू भी दे सकते हो। मैं ऐसे ही
सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लिक करके, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेंथ देता हूँ, मेरी लेंथ 50, ठीक है। अब मैं इसको मेज़र करता हूँ, देन दिस इज 50, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, आर्क लगाएंगे, ठीक है। आर्क सपोज करो कि स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, सेंटर पॉइंट मेरा ना एंड पॉइंट मेरा ये है। अब जो एंगल होगा वो मेरा, यहाँ से मैं एंगल इंटर करूँगा, सपोज करो कि मैं एंगल इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है। आपको रेडियस देने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ से जो आपके पॉइंट मिलेंगे, मेरा सेंटर पॉइंट है, मैं सेंटर पॉइंट से लाइनें लगा देता हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलरली पॉइंट पे। अब इसका एंगल मेज़र करते हैं, ये एंगल वही होगा जो आपने इंटर किया, ठीक है। रिपीट करते हैं, अगली बार हम एंगल 90 का लेंगे, ठीक है। तो जाके आर्क एंड स्टार्ट पॉइंट एंड एंगल इज 90, ठीक है। एल इंटर लाइन लेते हैं यहाँ से, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट एंड एंगल को मेज़र करते हैं, एंगल 90, ओके। जो आगे की कमांडें चलेंगी आपके बेसिकली सिमिलर टू यही होती हैं, जैसे कि हमारी पुरानी रिपीट हुई थी, बस इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा, उसमें सेंटर पहले आ जाएगा, स्टार्ट मिडल में आ जाएगा या फिर एंड स्टार्ट में आ जाएगा, थोड़ा सा ये चेंज होगा, बाकी मेन सोर्स वही है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मैं आर्क स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आर्क लेके स्टार्ट एंड एंड एंगल, सपोज करो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे पास ऑर्थो बंद है, ऑर्थो ऑन करने के लिए आप F8 प्रेस कर सकते हो, ठीक है, F8, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डायनेमिक ऑन है, मेरा एंगल शो कर रहा है, ठीक है, वैल्यू चेंज होती जा रही है। मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ F8, ठीक है। अब ये 0 और 180 पे जा रहा है, आपको दो पॉइंटों को सिलेक्ट करना है, 0 डिग्री पे ये आपका आर्क लग जाएगी, ये आर्क बिल्कुल जो इसका सेंटर होगा वो बिल्कुल वर्टिकल होगा, ठीक है। दोबारा करते हैं ट्राई, अब की बार हम डायरेक्शन 180 की तरफ, इनको डिलीट करता हूँ और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन, रिपीट स्टार्ट पॉइंट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट एंड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है मेरे पास स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और रेडियस, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपके दो पॉइंट होंगे, सपोज करो एल इंटर, ये मेरे पास 10 है एंड ऊपर भी मेरे पास 10 है, ठीक है, ये मेरे दो पॉइंट है। अब मैं इसके ऊपर स्टार्ट एंड एंड यहाँ पे जो रेडियस एंटर करूँगा वो उसका आर्क लग जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे 20 का देता, ठीक है। जब आप रेडियस मेज़र करोगे देन दिस इज रेडियस दिस इज 20, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, रेडियस चेंज करते हैं, देन स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, अब रेडियस कितना है मेरे पास 40, ठीक है। एंड मेज़र करना चाहो तो आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, रेडियस 40 एंड रिपीट दिस, आर्क पे जाके रिपीट करेंगे इसको, स्टार्ट पॉइंट एंड रेडियस इज 10, ओके, रेडियस आपका 10, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मोस्टली आगे सेम एज इट इज ही चलेंगे, जैसे कि मेरे पास सेंटर स्टार्ट और एंड है, ठीक है। इसी को मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, सेम एज इट इज ही है। सबसे पहले मेरे को सेंटर सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, सेंटर मेरा ये है,
चलेगा आपका वही कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगी। सपोज करो कि स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है एंड एंड पॉइंट मेरा ये है। दोबारा अपोजिट करते हैं इसको, ठीक है। अपोजिट के लिए सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मेरा, ठीक है, ये मेरा सिमिलर ही है फर्स्ट के साथ, ठीक है। एंड सेम एज इट इज सेकेंड है, सेंटर, एंगल, स्टार्ट और एंगल। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सेलेक्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, ओके, सार को डिलीट कर देते हैं। देन सेंटर, स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है एंड एंगल है मेरे पास 100, ठीक है, सेम एज इट इज़ है। एंड आपके लास्ट भी सेम एज इट इज़ है जो आपने स्टार्टिंग में की थी, ठीक है। इसमें आपको सेंटर पॉइंट देना है, स्टार्ट पॉइंट देना है, उसके बाद आपकी लेंथ इंटर करनी है, ठीक है। आप लेंथ यहाँ से जाके मेज़र कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास कंटिन्यू। कंटिन्यू के अंदर क्या होता है, जो आपने लास्ट एजेस होगा वहाँ से आपकी आर्क स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मेरा ये लास्ट एजेस था, यहाँ से मेरी आर्क स्टार्ट हो गई, ठीक है, मैंने बंद कर दिया है। अब दोबारा से मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरी इसी पॉइंट से आर्क स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरी आर्क कमांड कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।